गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू किड्स आर अस। बच्चों, सीनियर केजी की क्लास में आज हम R12 पढ़ेंगे। R12 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कलर्स नेम। पेज नंबर जो हमारा 59 है उस पर लिखा है कलर्स, तो कलर्स नेम आज हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हमें कौन से कलर्स दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है RED, रेड। रेड यानी लाल कलर। उसके बाद है BLUE, ब्लू। ब्लू यानि नीला। उसके बाद क्या है YELLOW, येल्लो। येल्लो यानि पीला। फिर है GREEN, ग्रीन। ग्रीन यानि हरा। उसके बाद है ORANGE, ऑरेंज यानि नारंगी कलर। उसके बाद क्या है PINK, पिंक। पिंक यानि गुलाबी। फिर है BLACK, ब्लैक। ब्लैक यानि काला। उसके बाद है WHITE, वाइट। वाइट यानी सफ़ेद। फिर है PURPLE, पर्पल। पर्पल यानी बैंगनी कलर। उसके बाद है BROWN, ब्राउन। ब्राउन यानी कौन सा कलर? भूरा कलर। ठीक है, ये सारे कलर्स के नाम हैं। तो आज हम कलर्स के नाम हमारे R12 की बुक है उसमें लिखेंगे कर्सिव में। यहाँ पे आपको कितने बार लिखने हैं बच्चों? दो बार लिखने। देखो दो बॉक्स दिए ना, तो आपको एक कलर का नाम है वो टू टाइम लिखना है, एक पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि हमें कलर के नाम कर्सिव में कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे RED, रेड। तो हमें यहाँ पे कर्सिव में लिखना है RED, रेड। तो हमारी जो लाइन्स है 4, 1, 2, 3 और 4, 4 लाइन्स है। तो हमें पहले सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे R। तो R को हमें कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है? जो हमारी थर्ड नंबर की लाइन है वहाँ से हमें सेकेंड नंबर की लाइन तक जाना है। स्लैंट लाइन बना के फिर इस तरह से टर्न करके लिखा हमने R। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? वहीं से लिखेंगे E। उसके बाद लिखेंगे हम D। तो हुआ RED, रेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे भी लिखना है हमें RED, रेड। RED, रेड। उसके बाद कौन सा कलर है बच्चों? BLUE, ब्लू। तो हमें यहाँ पे लिखना है थर्ड लाइन से स्लैंट लाइन करना है फर्स्ट लाइन तक, फिर स्टैंडिंग लाइन करते हुए वापस थर्ड लाइन पर आए, लिखा B। उसके बाद क्या लिखना है? L। फर्स्ट लाइन तक जाना है, वापस थर्ड नंबर की लाइन तक आए, L लिखा। फिर सेकेंड लाइन तक गए, फिर थर्ड लाइन को टच किया, U हुआ। उसके बाद लिखना है E। तो हुआ BLUE, ब्लू। ऐसे दूसरे बॉक्स में भी लिखना है हमें। पहले हम लिखेंगे B, उसके बाद आएगा L, फिर आएगा U, उसके बाद आता है E। देखो मैंने कहीं भी पेंसिल नहीं उठाई, जब तक हमारा सेंटेंस खत्म ना हो हमें पेंसिल नहीं उठानी है कर्सिव में। अब है YELLOW, मतलब पीला, येलो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे येलो। तो हम लिखेंगे YE, फिर उसके बाद आएगा LLOW। देखो बच्चों जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आपको दिख रहा है ना, उस तरह से आपको लिखना है। पहले हम लिखेंगे थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक स्लैंट लाइन बनाएंगे, फिर हम जो हमारे फोर्थ नंबर की लाइन है ना वहाँ तक वाई को लेके जाएंगे, वापस हम आएंगे सेकंड लाइन पे, फिर E, उसके बाद आएगा LLL, उसके बाद आएगा O और फिर आएगा W, येलो। अब है यहाँ पे ग्रीन, GREEN, ग्रीन। तो हमें थर्ड नंबर की लाइन से सेकंड नंबर की लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है और G को फोर्थ लाइन तक लेके जाना है इस तरह से, वापस हमें सेकंड लाइन तक आना है G। फिर लिखेंगे हम REE और N, ये हमें सेकंड टू थर्ड लाइन के बीच में लिखना है ग्रीन। तो क्या होगा? GREEN, ग्रीन यानी हरा। उसके बाद है ORANGE, ऑरेंज यानी नारंगी। तो लिखेंगे हम थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक स्लैंट लाइन बनाएंगे, फिर ORANGE को
फोर्थ लाइन तक जाएंगे लेके, फिर वापस आ जाएंगे सेकेंड टू थर्ड लाइन में, तो हो जाएगा ओ आर एन जी ई ऑरेंज। बाजू के बॉक्स में भी हमें इसी तरह से लिखना है ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। अब कौन सा आए हम, अब आए पी आई एन के पिंक। तो पिंक को हमें कैसे लिखना है, थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है, सेकंड लाइन को टच किया फिर वापस हमें नीचे फोर्थ लाइन तक आना है, वापस सेकंड लाइन तक गए, थर्ड लाइन तक पी बनाया, फिर लिखेंगे आई एन और फर्स्ट लाइन तक के स्लैंट लाइन लेके जाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन को थर्ड लाइन तक लाएंगे। ये हो गया पी आई एन के पिंक। देखिए पहले लिखेंगे हम पी, फिर आएगा आई, उसके बाद एन, उसके बाद आएगा बच्चों के, पिंक यानि गुलाबी। अब है बी एल एस सी के ब्लैक, ब्लैक यानि काला। तो लिखना है हमें थर्ड लाइन से स्लैंट लाइन बनानी है फर्स्ट लाइन तक, स्लैंट लाइन बनाई फिर वापस थर्ड लाइन तक आए, लिखा बी, एल को फर्स्ट लाइन तक लेके जाना है, थर्ड लाइन तक आना है, सेकेंड टू थर्ड लाइन में लिखेंगे ए, फिर सी और वापस फर्स्ट लाइन तक के की लेके जाएंगे और हो गया के। तो बी एल ए सी के ब्लैक, बी एल ए सी के ब्लैक। अब हम आए हमारा जो कलर है वाइट उस पर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक स्लैंट लाइन बनाए, वापस नीचे आए, वापस सेकेंड लाइन तक गए, ये हम क्या लिख रहे हैं डब्ल्यू, फर्स्ट लाइन तक जाना है एच को लेके, एच फिर आएगा आई, उसके बाद क्या आएगा टी, उसके बाद आता है ई, तो क्या हो गया डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट यानी सफ़ेद। देखिए थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है, वापस थर्ड लाइन तक आना है, वापस सेकेंड लाइन को ज्वाइन करके वापस थर्ड लाइन से आके सेकेंड लाइन तक जाना है, टर्न करना है, फिर फर्स्ट लाइन तक जाके एच बनाना है, उसके बाद आई, उसके बाद फर्स्ट लाइन को टच करके टी बनाना है, फिर ई, तो क्या हुआ डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट। अब है पर्पल, तो पी यू आर पी एल ई पर्पल, हमें पहले लिखना है पी, नीचे फोर लाइन तक पी को सेंडिंग लाइन को लेके जाना है, वापस आए हम यू लिखा, उसके बाद आएगा आर, फिर वापस पी कहाँ जाएगा नीचे के फोर लाइन को, वापस पी एल ई पर्पल। देखिए पी फोर्थ लाइन को नीचे दर्ज करना है, वापस सेकेंड से थर्ड लाइन तक आए, फिर वापस यू, उसके बाद लिखेंगे हम आर, फिर आएगा वापस पी, फिर आता है एल, उसके बाद आता है ई पर्पल। अब है बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन। तो बी आपको पता है ना कैसे लिखना है, आप थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है, फिर टर्न करते हुए वापस थर्ड लाइन तक आए स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए, सेकेंड लाइन को टच करके टर्न किया, ये हुआ बी आर, उसके बाद लिखेंगे ओ डब्ल्यू एन ब्राउन। देखिए बी फिर आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, तो ये सारे कलर्स के नेम है बच्चों। सबसे पहले हमारा कौन सा कलर था, आर ई डी रेड यानी लाल, उसके बाद है बी एल यू ई ब्लू, ब्लू यानी नीला, फिर है वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू मतलब येलो मतलब पीला, उसके बाद है जी आर डब्ल एन ग्रीन मतलब हरा, फिर है ओ आर एन जी ई ऑरेंज यानि नारंगी, पी आई एन के पिंक, पिंक यानि गुलाबी, फिर है बी एल ए सी के ब्लैक यानि काला, उसके बाद है डब्ल्यू एच आई टी वाइट यानि सफ़ेद, उसके बाद है पी यू आर पी एल ई पर्पल, पर्पल यानि कौन सा कलर बच्चों बैंगनी, उसके बाद है बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, ब्राउन मतलब कौन सा कलर हुआ, ब्राउन मतलब भूरा। तो हमने आर ट्वेल्व के पेज नंबर जो हमारा 59 है उस पर कलर्स नेम आज पढ़ा। तो इस तरह से आपको कर्सिव में कलर्स के नाम लिख देने हैं बच्चों, ठीक है, आर ट्वेल्व पेज नंबर 59 पे। तो आज हमने आर ट्वेल्व में सीनियर के जी में कलर्स नेम पढ़े। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।